गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. सो आज क्या है संडे है और अभी जस्ट मैंने एक व्लॉग ख़त्म किया है और नया व्लॉग स्टार्ट किया है. सो करेंटली वी आर एट आवर होम और आपने टूर देख ही लिया होगा तो एग्जैक्टली सेम है जैसे पहला था. तो अभी हमारा जो मिनी सेटअप है वो मैं बताती हूँ क्या क्या सामान लेकर के आए हैं. सो दिस इज़ अवर फोल्डिंग मैट्रेस. बहुत सही है ये और इसके नीचे हम एक दरी भी लेकर के आए थे. ये इस तरीके का मैट उसके हमने ये बिछा दिए. ये हमने एक बेडशीट बिछा दी. कोई पिलो हम दोनों सोते टाइम पिलो नहीं यूज़ करते हैं. एक हम ब्लैंकेट लेकर के आए पतला सा इफ़ इन केस लगे ठंड वन. हालांकि यहाँ बहुत गर्मी है तो ऐसा कुछ तो हमको नहीं लगा. और उसके बाद ये हमारी मॉस्किटो नेट है जो कि बिना मॉस्किटो नेट के हम नहीं सो सकते हैं. बहुत मच्छर है. और उसके बाद ये जो स्टूल है ये हमने बोरो किया है सामने जो दीदी है उनसे. ये कर्टन इस तरीके का टेम्प्रेरी कर्टन लगाने के लिए. ये हमारी वाटर बॉटल है. ये हमारा बैग है. ये हमारा आईपैड है. ये बैग है. फिर ये लैपटॉप बैग है. ये एक चादर है जो मैं निशा से लेकर के आई हूँ. और इस पॉली में कुछ खाने का सामान है. ये हमारा एक और बैग है. ये विक्की का बैग है. उसमें हमारे सारे बल्ब्स हैं. बॉटल वाटर बॉटल है. फिर वो एक और विक्की का बैग है. ये हमारा खाने का सारा जुगाड़ है. ठीक है. और ये क्रेप्स रखे हुए हैं. और ये हमारा किचन है. दिस इज़ द किचन. लाइट खुलते आ जाए. सो दिस इज़ द किचन. ये काम हमने करवा दिया था टेनेंट्स को देने से पहले. हम लोगों ने ये बेसिक जो काम ना ये करवा दिया था. नाउ अभी देखते हैं बजट क्या बैठता है. मुझे किचन पूरा करवाना है. ये सब चीज़ें ना बार बार नहीं बनती हैं तो मैं चाह रही हूँ कि एक बार बन के फ्री हो जाए. फिर ऐसा नहीं कि अब दो साल बाद बनवाएंगे या तीन साल बाद बनवाएंगे. तो किचन ऐसी चीज़ है जो बनवा के ही घुसा जाए उसमें. ठीक है. तो मेरा फुल्ली प्लान है कि मैं किचन प्रॉपरली बनवाऊँ क्योंकि ये तो हमने ऐसी काम करवा दिया था थोड़ा नॉर्मल. देखते हैं क्या कराते हैं. आज हमारी मीटिंग बैक टू बैक है. 3 से 4 लोगों से हम लोगों की मीटिंग है. किसने कौन हमको कैसा कोटेशन देगा क्या होगा उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है. और ये हमारे छोटे से भगवान की स्थापना है. उसके बाद ये हमारी बालकनी है किचन वाली. और बाकी के सब रूम्स हैं जो कि मतलब मैं आपको इन शॉर्ट ये बता रही हूँ घर बिल्कुल भी गंदा नहीं है. इट लुक लाइक एकदम फ्रेश ही है. कुछ भी मतलब यूज़ कर रहे होंगे ना वो लोग. आप सोचो ये सब जो जैसे नया मिलता है ना एकदम जब बिल्डर ब्रांड न्यू होम देता है ये तब भी लगा हुआ है. तो मतलब मैं विक्की को यही बोल रही थी. मैंने कहा भगवान का शुक्र है कि हमारा घर बिल्कुल एकदम ऐसा लग भी नहीं रहा है कि यूज्ड है. आप सोचो टाइल्स के ऊपर वो जो गैस वैस चलाते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है ना कुछ कुछ. वो सब भी नहीं हुआ है. इतना क्लीन कर रखा हुआ है. तो ब्लेस्ड टू हैव सच अच्छे लोग. सो आई एम मेंटेनिंग दिस डायरी जिसमें सारी डिज़ाइंस जो भी बनना है ना घर में जो भी आइडियाज़ हैं वो सब मेंशन मतलब बकायदा मैंने ड्रॉ कर दिए हैं कि मैं क्या क्या करवाने वाली हूँ. डेफिनेटली हम बहुत ओवर एक्सपेंसिव नहीं करवाने वाले हैं. बहुत फैंसी आप सोचो कि एकदम जो लैविश इंटीरियर होता है हम वैसा नहीं करवाने वाले. फर्स्ट सबसे मेजर कॉन्स्टेंट उसका ये है कि हमारा बजट नहीं है. ठीक है. सब और दूसरा हमारा ये है क्योंकि मैं चीज़ें चेंज करती रहती हूँ. अब मैं 20,000 की पेंटिंग लगा दूँ या मैं 25,000 के कर्टन्स लगा दूँ मेरे को कर्टन्स में बहुत जल्दी बोर भी हो जाती हूँ है ना विद इन 3 months 4 months. आप चेंजेस नहीं कर सकते हो अगर आप इतनी एक्सपेंसिव चीज़ लगा देते हो. तो दोनों रीज़न है. बजट भी नहीं है भाई इतना महंगा लगाने का कोई लॉजिक हमको समझ में नहीं आता है. और दूसरी चीज़ ये है कि हमको वो चाहिए भी नहीं पर्पसली. कर भी लें एक बार कि चलो एक मंथ में अपन ये ले लेते हैं नेक्स्ट मंथ में ये ले लेते हैं वो भी जाएगा बट पर्पस नहीं मुझे लग रहा है. तो हम क्या कर रहे हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग फर्नीचर है उनमें चेंजेस करने वाले हैं कुछ 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 कुछ. वो आपको पता चलेगा एक्साइटिंग डेकोर वीडियोस जब आएंगे तब. वो विक्की ने अपने मोबाइल में उसके ऐप में सारी चीज़ें मेजरमेंट और फोटोज वोटो सब कुछ एक जगह लेकर के रखा है सारी चीज़ें. तो अभी वही काम हो रहा है. तो ये हमारा मेजरमेंट चल रहा है कि यहाँ पे हम क्या रखने वाले हैं. सोफ़ा आएगा कि टीवी यूनिट आएगा वो आपको बाद में पता चलेगा कहाँ क्या आएगा. बस अभी मेजरमेंट्स चल रहा है. ओके
ओके, तो इसके बाद हमारी बैक टू बैक मीटिंग थी। मैं बस ये थोड़ा सा यहीं पे होम लेन के ऑफिस में बैठी थी, तब मैंने थोड़ा शूट किया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा रिव्यू क्या रहा है। अभी तो हमने डेफिनेटली अभी तक फाइनल नहीं किया है, टाइम लेंगे हम लोग, थोड़ा आराम से करेंगे। ओके, हाय गाइस, तो आज है डे टू। कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, थोड़ा सा शूट किया था, मैं कहीं बैठी थी। तो कल हमारा जो डिसाइडेड था ना डेज, कल हमारी मीटिंग्स फिक्स थी। एक तो हम लोगों ने बात करा था जो ये ब्रांड्स होते हैं ना, होमलैंड हो गया, लिव प्योर हो गया, इस तरीके के जो आपको इंटीरियर डिजाइनिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग क्या है यार, इंटीरियर वाला तो मेरे को ऐसा कुछ कराना नहीं है तामझाम, बट किचन मेन है क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बार बार किचन होता भी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ किचन अच्छे से हो जाए। फिर एक दो और लोग आए थे लोकल जो थाने में काम करते हैं, उन लोगों से बात हुई। फिर अनन्या देखो, एक उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है जो इस एरिया में काम करता है, उनका नंबर शेयर कर दिया था और उससे भी हमने डिस्कस किया आइडिया, इसलिए कि कितने में कम से कम ये हो सकता है, बिकॉज बजट कॉन्स्टेंट है डेफिनेटली। सो शी हेल्प्ड अस अ लॉट, उसने काफ़ी सारे विक्की के डाउट्स क्लियर करे। कल विक्की ने ही सब उससे क्वेश्चन वगैरह पूछा कि ये क्या, वो क्या, ऐसा क्या, उसने गाइड कर दिया क्या क्या प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, क्या इधर यूज़ करना है, क्या उधर यूज़ करना है, सब उसने बता दिया था। तो वो भी है, तो वो भी आने वाली है 2 या 3 दिनों में, मतलब आज मोस्ट प्रोबेबली वो मुंबई पहुंच जाएगी। तो यहाँ ही थाने का जो हीना नंदानी का कोई प्रोजेक्ट है जो उसने उठाया है, एंड दो ढाई साल बाद हम लोग मिलने वाले हैं, तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल। कल से हम खाना भी बनाना स्टार्ट करेंगे, हमारी गैस स्टार्ट हो गई है, बट अभी क्या, आज कल का दिन और आज का दिन हम लोगों ने कम्प्लीटली रखा हुआ है कि हम सबसे डिस्कस करके सबसे कोटेशन ले लेंगे, एक दिन हम लेंगे, ठंडे दिमाग से सोचेंगे किससे काम करवाना है एंड उससे काम स्टार्ट करवा देंगे, जय श्री राम कर देंगे। और मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि मुझे बहुत एक्सपेंसिव काम कराना है, आप समझ जो। पहले मैं सोचती थी खुद का घर होगा तो आराम आराम से करेंगे, बट ऐसा वुड का बनवाएंगे, शीशम लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, बट फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार हम इतना, हमने यार हमारे पास नॉर्मल ऐसे बहुत, मैं बता रही हूँ, बहुत जो सस्ते फर्नीचर होते हैं ना, हम वो भी चला रहे हैं और 5 साल से हमारे चल रहे हैं और एकदम सही कंडीशन में चल रहे हैं, कोई दिक्कत मैंने फेस नहीं करी है। तो नाउ वी आर, आई एम कन्विंस्ड कि मैं, मतलब मैं स्पेशली अपना बता रही हूँ, विक्की का मुझे नहीं पता वो कन्विंस्ड है कि नहीं है, बट मैं कन्विंस्ड हूँ कि मैं अफोर्डेबल चीज़ पे जाऊँगी। 6-7 साल तो वो आराम से चलता ही चलता है, अगर आप चलाने वाले हो तो आप 10 साल भी चला लोगे कम से कम, क्योंकि बजट हमारा कॉन्स्टेंट है। तो डेफिनेटली आईकिया में बहुत सारी चीज़ें बजट में मिल जाती हैं, एक वो पॉइंट है। और दूसरा ये कि यार इतना महंगा आप इतना बनवा लो, 20-20 साल तक वो ख़राब ही ना हो, कभी भगवान ने चाहा हमारा थोड़े टाइम बाद और हम कहीं अच्छी जगह ग्रो कर गए, कहीं और जगह ले लिया, तो फिर वो होता है ना, वो फर्नीचर तो आप लेके जा नहीं पाते, वो आपको यहीं सेल करना पड़ता है, सामने वाला फिर मतलब वो सब बहुत एक फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से देख के चलूँ तो मुझे इतना लंबा महंगा और ऐसा फर्नीचर नहीं बनवाना कि वो 25 साल तक कुछ हो ही नहीं रहा है, उसको हिल भी नहीं रहा है। किचन डेफिनेटली उसमें हम थोड़ा अच्छा चाह रहे हैं कि अच्छे से हो जाए, बाकी सब में मेरे को कोई इतना, मैं पर्टिकुलर नहीं हूँ कि यार मुझे ये भी ऐसा चीज़ नहीं, जैसा है सब चल जाएगा, मेरे को सस्ता भी सब चल जाएगा, बस अच्छा होना चाहिए, दैट्स इट। और तो उसके लिए हम आइकिया जाने वाले हैं, फिर आते टाइम जिसने हमारी टीवी यूनिट और मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है वो थाने में ही उनका शॉप है, तो हम उनसे भी बात करेंगे क्योंकि वो चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी और फिनिशिंग में बनाई थी, तो वी विल टॉक टू देम एज वेल, क्योंकि ब्रांड मैं आपको बताती हूँ, मैंने भोपाल में इन लोगों से बात करा था, मीटिंग स्केड्यूल किया था एंड अपना बजट क्लियरली बताया था कि मेरा बजट इतना ही है, इससे ऊपर मैं नहीं जाऊँगी। सपोज मेरा बजट एक्स है, उनने मुझे कोटेशन दिया है 4x, भाई इसका लॉजिक ही नहीं बनता, आपने मेरे को 4x कोटेशन दे दिया, अब आप उसमें मुझे डिस्काउंट दे रहे हो तो वो कितना हो गया 2x, बट स्टिल वो 2x तो हुआ ना भाई, मेरा बजट x से कम में मुझे आना है, आप 2x कर रहे हो मुझे खींच तान करके। तो वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज वो जो भी है इनकी, तो हम लोग ब्रांड की तरफ तो नहीं जा रहे हैं फॉर श्योर। हे गाइस, तो अभी हम लोग जस्ट पहुंचने वाले हैं आइकिया और हाँ ऑलमोस्ट पहुंच ही गए, हम बीच में थोड़ा रुक गए थे खाने के लिए क्योंकि सुबह से हमने खाना नहीं खाया था, हालांकि मेरी मम्मी ने ना चूड़ा मठरी ये सब चीज़ें बना करके रखी है तो वो हम लोग खा लेते हैं, स्नैकिंग तो हम सुबह कर ही लेते हैं। और पानी की बॉटल हमने खरीदी अभी, क्यों, क्योंकि आइकिया में यही पानी की बॉटल आपको मिलती है 120 रुपये की, तो भाई राइट नाउ वी आर एट आइकिया और सोफे हम मेजरली देख रहे हैं बिकॉज देख रहे हैं कि कभी बजट में यहाँ अच्छा मिल गया, तो मैं तो फेवर में हूँ यहाँ से सोफ़ा लेने के, विक्की फेवर में नहीं है, लेट्स सी कौन जीतता है। भाई कुछ सोफे तो इस तरीके के ना कि मज़ा आ गया, मतलब मैं उठने का ही मेरा मन नहीं कर रहा है, इतना अमेजिंग लग रहा है जिस सोफे पर मैं बैठी हुई हूँ कि मेरे को उठने का मन नहीं कर रहा है, इसके ऊपर से इतना मज़ा आ गया, मतलब मैं विक्की को बोल रही हूँ ऐसा सोफ़ा होना चाहिए कि आप बस आकर के कूद जाओ उसके ऊपर, लैंड कर जाओ ऐसा।
तो आइकिया के टूर के ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, दिस इज़ नॉट अ टूर। हम बहुत कम चीज़ें, जैसे सिर्फ जो फर्नीचर सेक्शन था स्पेसिफिकली उन्हीं जगहों पे गए थे, थोड़े से हमने आइडियाज़ और देखे वहाँ पर, और हम किचन सेक्शन में चले गए थे। इसके अलावा हमने पूरा आइकिया जो है वो एक्सप्लोर नहीं किया है। तो मेजरली ये देखिए, सोफ़ा सेक्शन हमने पूरे देखे कि क्या रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इन जनरल भी काफ़ी आइडियाज़ मिल जाते हैं। सो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। फिर हम लोग मॉड्यूलर किचन जो है वो इनका देख कर किया है। डेफिनेटली क्वालिटी इनकी अच्छी थी, बट वही है कि हमको अंदर क्या मटेरियल है ये समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब नहीं सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे उस चीज़ में बस। तो देख रहे हैं, सब चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो बजट में बैठेगा, जो लगेगा कि हाँ भाई 10-12 साल चल जाए एटलीस्ट वैसा फर्नीचर हो हमारे पास। तो डेफिनेटली इनका कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी थी, कुछ चीज़ें हम कंसिडर कर रहे हैं, तो अभी भी हमने फाइनल नहीं किया है। हम सब हो सकते हैं हम यहाँ से भी कुछ करवा लें या देखते हैं, लेट्स सी। मतलब अभी सिर्फ हो रहा है, फिर हमने वार्डरोब्स वगैरह भी देखे। तो दो वार्डरोब मुझे काफ़ी पसंद आई हैं। विक्की के रूम के लिए मुझे एक वार्डरोब पसंद आया, मतलब जिस रूम में जो सेकंड बेडरूम रहने वाला है ना, जो इसका वर्क एरिया। फिर हमने यहाँ पर ये जो टॉप होता है, किचन टॉप जो होता है वो देखा यहाँ पर, एंड और भी यहाँ पे वेराइटी थी, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। वही मैं बता रही हूँ कि हम हैंडल्स वगैरह के हमने यहाँ पे पिक्चर्स ले लिए, क्योंकि यहाँ पे हैंडल्स के ऑप्शंस बहुत अच्छे थे। कि अगर इन केस हमको कहीं और नहीं मिलता है तो हम यहाँ से हैंडल्स ले करके चले जाएंगे, तो वो एक अच्छा ऑप्शन था। हम लोग कल आइकिया से, मैंने आइकिया का बहुत शूट नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली हम कुछ और उससे गए थे। हम सारा चीज़ें बहुत ध्यान से देख रही थी मैं, जो जो भी मुझे मतलब हम करवाना है। हमने बहुत आइकिया नहीं घूमे, हम 2 घंटे मतलब हम सिर्फ फर्नीचर सेक्शन में गए। फर्नीचर में भी पर्टिकुलर कुछ चीज़ें हमको देखनी थी, हमने वही देखी, एंड उसके बाद फिर हम मॉड्यूलर किचन वाले सेक्शन में गए हैं, दैट्स इट। उसके बाद हम बहुत नहीं घूमे। तो मॉड्यूलर किचन वाले सेक्शन में गए, हमने उन लोगों से बात भी करी। आइकिया की बेस्ट चीज़, सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि विद इन 7 डेज में आपको आपका घर पूरा कंप्लीट रेडी मिल जाएगा। आइकिया में हम लोग थोड़े से डाउटफुल हैं किचन मॉड्यूलर वगैरह को लेकर, स्टिल एक डाउट है मन में कि अंदर वुड क्या है, कभी 2 साल में दीमक लग गई तो कुछ हो गया तो ना, ऐसा एक डाउट है। और इतना एक्सपेंसिव चीज़ आप कराओगे, रेट वही है जो मार्केट रेट है, कोई ऐसा अलग डिफरेंस नहीं है उनके मॉड्यूलर किचन में, तो वही है। तो वो हम देख करके आए, बट हाँ बाकी चीज़ें छोटी मोटी जो चीज़ें होती है ना, लाइक आप कारपेट ले सकते हो, कुछ लाइट्स वाइट्स ले सकते हो वहाँ से, लैम्प वैम्प ले सकते हो, ये सब ठीक है। सोफ़ा वोफा भी एक बार कंसिडर कर सकते हो, बाकी देखते हैं, लेट्स सी यार। अभी हम सिर्फ देख के आए और सब फोटोज़ क्लिक करके आए जो जो हमको ठीक लगा है। आज भी हमारे 2 कारपेंटर आने वाले हैं, एक अनन्या का कॉन्ट्रैक्टर भैया है वो आने वाले हैं, और एक और एक भैया आने वाले हैं, तो 2 और कारपेंटर आने वाले हैं। लेट्स सी किससे हमारा डील होता है। तो आज का जो वीडियो है ना वो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई थिंक ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया होगा, एंड मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। आज मैं खाना भी बनाने वाली हूँ, तो अभी मैं शारवार लेने के लिए जाऊँगी, एंड फिर प्रॉपर पूजा करने के बाद, क्योंकि टेक्निकली फर्स्ट टाइम इस घर में गैस चूल्हा जलने वाला है। इंडक्शन हम जला चुके हैं बट गैस फर्स्ट टाइम चलेगी, तो मैं थोड़ा सोच रही हूँ पूजा करके ही जलाऊंगी। हालांकि हम प्रॉपर पूजा करवाने वाले हैं, एक हम पूजा करवा चुके हैं और एक और हम पूजा करवाएंगे, बट फिर भी एक मन को तसल्ली देने के लिए आप भगवान को याद करके उनको ग्रेटफुल होकर के फिर हम शुरू करेंगे अपना खाना बनाना। तो यस, वो सब देखने के लिए नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।